प्रदेश सरकार ने उन विद्यार्थियों को हिमाचल में लाने की कवायद शुरू की है जो विद्यार्थी हिमाचल के बाहर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिसके लिए एचआरटीसी की 9 बसें राजस्थान के कोटा के लिए रवाना की गई। इन बसों के माध्यम से वहां फंसे करीब 108 विद्यार्थियों को हिमाचल लाया जाएगा। एक बस में करीब 9 बच्चे सवार होंगे, जिससे बसों में दूर दूर बिठाया जाएगा ताकि किसी भी तरह से उनको एक दूसरे से कोरोना संक्रमण ना फैल पाए। ये बसें सुबह 6 बजे सोलन से रवाना की गई थी, जो करीब 15 घंटे में राजस्थान पहुंचेंगी और विद्यार्थियों को लेकर वापस आएंगी। सूत्रों की माने तो इस बस को बीच में कहां कहां रोका जाएगा, इसके लिए कई स्थानों पर विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। सोलन नगर परिषद के पार्षद भरत सैनी व मुकेश वर्मा ने प्रदेश सरकार की इस पहल को बेहद सराहनीय करार दिया है और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल के बाहर लोगों के लिए बेहद संवेदनशील हैं और उन्होंने बाहरी राज्यों में फंसे बच्चों को घर लाने की कवायद शुरू की है। मैं कहूंगा बच्चे जहां भी हैं उनको लाने के लिए नहीं है आज, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने ये कदम उठाया, और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके हर एक जगह से हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे या जो भी लोग फंसे हैं उनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरूर आस्ते आस्ते करके लेके आएंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से फॉलो कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं हर चीज़ को, उन्होंने समझाया है तभी तो गाड़ियाँ भेजी हैं, और मुख्यमंत्री जी पूरे सजग हैं और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के अंदर जहाँ जहाँ लोग फंसे हैं बेचारे हमारे हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, मुख्यमंत्री जी तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो बड़ी गंभीरता से इस चीज़ को देख रहे होंगे और इसलिए आगे भी मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग कहीं फंसे होंगे उनको भी आदरणीय मुख्यमंत्री की जरूर लाएं। ये कदम है माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, और मैं आपके माध्यम से उनसे एक निवेदन और करना चाहूँगा। अभी इसी प्रकार से दूसरे राज्यों में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं और तकरीबन मैं समझता हूँ इस बात को भी आज हर माँ बाप इस बात से कैसे होंगे, और उन बच्चों के लिए भी कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रकार से सोचेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं आपके माध्यम से उन सभी परिवारों के बच्चों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा भी कृपया संयम बनाए रखें, और आपके लिए सरकार बहुत सोच रही है, समझ रही है, आपके दुखों के साथ हर एक इंसान खड़ा है। हमारी केंद्र की सरकार हो या हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के सुगल नेतृत्व में जो इस प्रकार के अभियान चले हैं इस महामारी को बचाने के लिए और बचने के लिए, मैं उन बच्चों से उन अभिभावकों से यही निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को संयम बरतने की अपील रखें और कुछ ना कुछ जैसे ही आगे व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी उनको लाने का माध्यम और तेज कर दिया जाएगा।